कौरवों और पांडवों की सेनाएं आमने सामने आ गई थीं। युद्ध का बिगुल बज चुका था और दोनों पक्ष के योद्धा युद्ध के लिए तैयार थे। सभी का ध्यान विपरीत पक्ष के प्रयासों की ओर था कि इतने में भगवान श्री कृष्ण को एक टिटिहरी का आर्तनाद सुनाई पड़ा। दोनों युद्ध शिविरों के मध्य एक छोटी सी टेटरी थी, उसी की खोह में उसका घोंसला था। उसके छोटे छोटे बच्चे थे और उन्हीं की सुरक्षा के लिए वह जोर जोर से पुकार रही थी। भगवान श्री कृष्ण के कानों तक भी यह पुकार पहुंची। असंख्य वीरों की बलि और युद्ध के भयंकर कोलाहल के बीच भी जो कभी विचलित नहीं हुए, उन्हीं कृष्ण को टिटिहरी की स्वर ने झकझोर डाला। उन्होंने भीम को शंख बजाने से रोका और रथ से उतरकर टिटिहरी के घोंसले की ओर गए और उनके बच्चों को सुरक्षित स्थान तक छोड़कर आए और फिर अपना स्थान ग्रहण करते हुए भीम से कहा, महावीर भीम, अब तुम युद्ध का शंख बजा सकते हो। ऐसे ही करुणामय थे भगवान श्री कृष्ण। अंग्रेजी शासन के समय एक प्रख्यात विद्यालय था जिसमें सभी विद्यार्थी अमीर घरों से आते थे। उनमें ज़्यादातर विद्यार्थी फैशन परस्त वस्त्र पहने दिखाई पड़ते थे। उस विद्यालय में से एक विद्यार्थी ने प्रवेश लिया। प्रवेश के समय उसकी पोशाक धोती कुर्ता व साधारण जैकेट थी। विद्यालय के छात्रों ने इस छात्र को देखकर उसका बहुत मजाक उड़ाया, उस पर कटाक्ष भी किया। इसे सुनकर वह छात्र बोला, यदि पोशाक पहनने से ही व्यक्तित्व ऊपर उठ जाता तो कोट पॉइंट पहनने वाले हर अंग्रेज ऋषि तुल्य होते। मुझे तो उनमें ऐसी कोई विशेषता दिखाई नहीं पड़ती। इस गर्म प्रदेश में आने वाले अंग्रेज यदि अपनी संस्कृति के प्रतीक पोशाक को नहीं बदल सकते तो मैं ही अपनी संस्कृति को क्यों हेय हन दूँ। मुझे अपने सम्मान से अधिक अपनी संस्कृति प्यारी है, जिसे जो कहना है कहे, पर मैं अपनी संस्कृति का परित्याग नहीं कर सकता। भारतीय पोशाक त्यागना मेरे लिए मरण तुल्य है। वह विद्यार्थी कोई और नहीं वरन प्रसिद्ध विचारक व क्रांतिकारी गणेश शंकर विद्यार्थी थे, जिन्हें अपनी संस्कृति से सदैव गहरा लगाव रहा। महाभारत का घमासान युद्ध चल रहा था। द्रोणाचार्य और अर्जुन आमने सामने थे। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को धनुर्विद्या सिखाई थी, उसके बावजूद वे उनके सम्मुख असहाय दिख रहे थे। कौरवों ने प्रश्न किया, आश्चर्य की बात है कि गुरु हार रहे हैं और शिष्य जीत रहा है। द्रोणाचार्य बोले, मुझे राजाश्रय की सुख सुविधाएं भोगते हुए वर्षों गुजर गए, जबकि अर्जुन इतने ही समय तक कठिनाइयों से जूझता रहा। सुविधा संपन्न अपनी सामर्थ्य गंवा बैठते हैं और संघर्षशील निरंतर शक्ति संपन्न बनते रहते हैं। अनेक सिद्ध महापुरुषों का जीवन इस बात का साक्षी है कि सफलता का कमल कठिनाइयों के कीचड़ में ही खिलता है। जब तक जीवन प्रतिरोधों और चुनौतियों से घिरा रहता है, तब तक वह प्रखर बना रहता है और जिस दिन उसकी प्रतिकूलताएं समाप्त हो जाती है और उस दिन व्यक्ति भी प्रमादग्रस्त होने लगता है। इसीलिए महर्षि अरविंद ने कहा था, दुख भगवान के हाथ का हथौड़ा है, उसी के माध्यम से मनुष्य का जीवन संवरता है।